नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन होना था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी घोषित नहीं होने के कारण सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी अभी तक नामांकन नहीं किए थे। लेकिन एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ ही बसपा के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद आज नामांकन किया गया। बात करें कांग्रेस की, तो हामिद अली ने अपना नामांकन किया। इस दौरान पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल रहे। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितने सेट में किया है आपने? एक सेट में भी किया सर। क्या प्राथमिकता रहेंगी नगर पालिका परिषद? नगर पालिका में पहली प्राथमिकता ये है कि भ्रष्टाचार बहुत है, कोई सुनने वाला नहीं है, और पब्लिक भ्रष्टाचार जलते जलते अब जाना भी बंद कर दिया। इस बार का क्या मोटो रहेगा? इस बार का मोटो रहेगा कि इन्होंने जो झूठ बोला है कि हमने टैक्स कम किया है, टैक्स कहीं कम नहीं हुआ, और हाउस टैक्स अभी वैसे ही चल रहा है। हवा ये चल रही है कि विकास बनाम बदलाव, क्या लगता है? हाँ, विकास एकदम नहीं है। आप देख लीजिए सारी रोडों पर एक एक रोड 10-10 साल बाद बनती है, 20-20 साल बाद इसका नंबर आता है। बीजेपी का तिलिस्म अभी तक किसी पार्टी ने तोड़ नहीं पाया, इस बार क्या लगता है? तिलिस्म एकदम टूटेगा। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बाजारों में मंदी है, किसी के पास पैसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं, महंगाई इतनी है कि खाने के पैसे से बच ही नहीं रहा कि वो जूता चप्पल कपड़ा कुछ खरीद सके, जमीन खरीद सके। वहीं आज रविवार का दिन होने के बाद भी नामांकन का दौर लगातार जारी रहा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सुभाष चौहान, जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका परिषद गाजीपुर से अपना नामांकन किया। इसको लेकर उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज हमने बहुजन समाज पार्टी से नगर पालिका परिषद गाजीपुर अध्यक्ष पद का अपना नामिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। सुभाष जी, आज आपने नामिनेशन दाखिल किया है, क्या क्या आपका रोड प्लान हुआ है चुनाव को लेकर? क्या मुद्दा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है, विकास, सुशासन, लाइन ऑर्डर। आज देख रहे हैं बदबजाती नालियां उसी तरह अपनी दुर्दशा पे रो रही हैं, आम नागरिक जाम से कराह रहा है, सीवर के नाम पे जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, उनको एक रोड पर ठीक नहीं किया जा रहा है, दूसरा रोड खोद दिया जा रहा है, राहगीर उसमें आम जनता जनार्दन जनता आए दिन चोटिल हो रही है, गिर रही है, लोग मच्छरों के प्रकोप से आए दिन मलेरिया डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं, तमाम तरह की जो नगर पालिका की हमारे मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, लाइन ऑर्डर, विकास, इन सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं। हमारे नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे एक एक कार्यकर्ता को, अपने एक एक सिपाही को मैदान में उतार दी है कि ये सेमीफाइनल है नगर निकाय का चुनाव, इसको हम ज्यादा से ज्यादा जीत करके अपने बहन जी के झोली में डालने का काम करेंगे, और अपने नगर पालिका परिषद गाजीपुर को मंडल ही नहीं, कमिश्नरी ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, हम पूरे प्रदेश में एक आदर्श नगर पालिका परिषद के रूप में स्थापित करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा।